नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आईपीपीएस पीओ प्री के एग्जाम चल रहे हैं। 13 और 14 अक्टूबर को जो एग्जाम हुए हैं, जो अभी तक का मेरे पास एनालिसिस आया है, उसके आधार पे मैं आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दे रहा हूँ, जिससे कि जिनका एग्जाम नेक्स्ट वीक के अंदर है उनको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी मैं इसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो टॉपिक बताऊँगा, उसमें से अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, आप चाहते हो कि सर ये दोबारा से रिवाइज करा दिया जाए, तो आप नीचे कमेंट कर देना। सबसे ज़्यादा जिन जिन के कमेंट आएंगे वो टॉपिक हम एक बार दोबारा से लेके आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए एक्चुअली में वही आप लोगों को करवा देंगे। मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की, ठीक है। तो हम ये बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि कौन सी शिफ्ट में क्या आया था। मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा कि इन इन में से ही आएगा, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को एटलीस्ट तैयार कर कर करके ही जानी है बिल्कुल एकदम से। पहला मैं बात बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में रॉन्ग वन आउट और मिसिंग। किसी शिफ्ट में रॉन्ग वन आउट आ रहा है, किसी में मिसिंग आ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं करवा भी चुका हूँ। आप बोलोगे सर कुछ और टाइप करवाइए तो वो भी करवा देंगे। इसके बाद में आती है डीआई। डीआई के देखो आपको तीन चार टाइप आ सकते हैं। पहला लाइन ग्राफ, दूसरा बार ग्राफ, तीसरा टेबल डीआई, ठीक है। चौथा आपका आ जाएगा, टेबल डीआई हो गया, पाई चार्ट, ठीक है। इसके अलावा डीआई आ सकती है आपकी कैसलेट डीआई और मिसिंग डीआई। आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूँ, कितने नंबर का आएगा वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ आपको तैयार करके जानी है। ये तो तीन मेन चीज़ हो गई। चौथा आपका आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे 13 तारीख को नहीं आया था, ये 14 को आ गया सिंप्लीफिकेशन, लेकिन हमें तैयार रहना है इसको करने के लिए। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, डाटा सफिशियंसी, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया अर्थमेटिक। आपको पूरा का पूरा पेपर इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक में आपके कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन अगर आएगा तो आपका 5 से 6 नंबर का आएगा। ऐसे ही नंबर सीरीज आएंगी तो आपकी 5 से 6 नंबर की आएंगी। जो आपकी डीआई आ रही है वो 10 से लेके 20 नंबर के बीच में शिफ्ट के अंदर वेरीज कर रही है। कहीं पे 10 की आ रही है, कहीं पे 15 की आ रही है, कहीं पे 17 नंबर की आ रही है। सिंप्लीफिकेशन आएगा तो आपका लगभग 5 मार्क्स का आएगा। डाटा सफिशिएंसी 3 से 5 नंबर की आएंगी। अर्थमेटिक प्रॉब्लम 10 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच में कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जो डाटा सफिशियंसी आ रही है ना, ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो जिसको अर्थमेटिक आती है उसको डाटा सफिशियंसी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक डाटा सफिशियंसी का लेक्चर तैयार है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये डाटा सफिशियंसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप लोगों को पूरा प्री के अंदर तैयार करके जाना है। सारी शिफ्ट में कोई भी शिफ्ट मिला लो, आपके इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अब देखो इसमें से अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसका आप लोगों को आंसर दूंगा। या तो मैंने कोई वीडियो डाला होगा पुराना तो हम बता देंगे कि पुराना वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे पढ़ लो। या फिर अगर किसी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो मैं उसको दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर दूंगा यूट्यूब पे। तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। अब रीजनिंग के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है। रीजनिंग में आपको थोड़ा सा एक तो जैसे एक वीक जिसको अगर अभी मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा पजल वगैरह की प्रैक्टिस ज़्यादा करके जानी, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही है। सबसे पहले मैं नॉर्मल टॉपिक्स की बात करता हूँ रीजनिंग के अंदर। जैसे सबसे पहले बात करूँ इनइक्वालिटी की, तो ये 5 मार्क्स का आता है अगर कभी आता है तो। मार्क्स की बात बाद में करेंगे ओवरऑल, सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए। इनइक्वालिटी हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। जो चाइनीज़ कोडिंग भी जिसको कई बार आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में सीलोग। अब सीलोग देखो आपका तब नहीं आया था, 13 को नहीं आया था, 14 अक्टूबर वाले पेपर के अंदर आ रहा है, तो ये भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, एक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो नॉर्मल टॉपिक्स के अंदर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आ जाओ पजल के ऊपर। पजल के अंदर देखो क्या क्या करके जाना है। पजल एंड सीटिंग दोनों की मैं बता देता हूँ, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले पजल की बात करूं तो फ्लोर और बॉक्स में से एक आ ही रहा है लगभग। एक आपका वेरिएबल वाला पजल आ रहा है कि दो तीन वेरिएबल दे देगा आपको, ठीक है। एक आपका ईयर या मंथ बेस पजल, एटलीस्ट ये चीज़ें आप लोगों को तैयार ही करके जानी है। इसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब फ्लोर और बॉक्स हो गया, वेरिएबल वाला गया, ईयर और मंथ वाला हो गया। अगर मैं सिटिंग की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है मार्कर्स को क्या हो गया, जो सिटिंग का आप लोगों से पूछा जा रहा है वो आपसे एक तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वाला ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लस एक वेरिएबल भी दे रहा है इसमें, ठीक है। साथ में आपका सर्कुलर पूछ सकता है, ठीक है, इन और आउट वाले पूछ सकता है। लीनियर के अंदर एक लाइन में बैठे हुए पूछ सकता है और आमने सामने बैठे हुए पूछ सकता है। आमने सामने बैठे होंगे तब तो कुछ लोग साउथ में होंगे, आधे लोग साउथ में और आधे लोग नॉर्थ के अंदर, इसमें तो फिक्स डायरेक्शन हो जाएंगी। एक लाइन में पूछेगा तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इधर देख रहे हो, कुछ लोग साउथ में, कुछ लोग नॉर्थ के अंदर देख रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी। तो ये पजल और सिटिंग का हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट दो दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाना, लगभग आप लोगों को पजल में बनाने में काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी, ठीक है। जितने भी मैंने टाइप की पजल है और सेटिंग बताई, इसमें दो दो टाइप के क्वेश्चन करके जाना, हो जाएगा आपका। अब देखो इनइक्वालिटी नहीं आएगा तो कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा तो सिलोग आ जाएगा, मतलब तीन में से दो चीज़ तो यहाँ से पूछी जाएंगी आप लोगों से। और इसके अलावा ये जो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन और रैंकिंग है ना, लगभग तीन से लेके पाँच नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आप लोगों के। सिलोग के अगर क्वेश्चन आएंगे तो पांच आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के पांच आएंगे, इनइक्वालिटी से के पांच क्वेश्चन आएंगे। इनमें से कोई दो चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी और ये तो आप लोगों से तीनों में से कुछ न किसके तीन से पांच क्वेश्चन पूछ ही लेगा। इधर पजल सिटिंग के आप लोगों से 10 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 ही मानो आप, क्योंकि 15 से कम कहीं पूछे नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के पूछ लेगा। सारे टाइप मैंने डिस्कस कर दिए, इसके आप लोग कम से कम प्रैक्टिस करके जाना, नेट पे सर्च कर लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक एक दो दो हर टाइप की चीज़ें करके जाना एग्जाम से पहले, तो दो दो क्वेश्चन भी कर लोगे तो एटलीस्ट कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि कुछ नया आ गया एग्जाम के अंदर, और थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी। अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल कोई भी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि मान लीजिए एक पे लिखता हूँ वर्ड SIMPLE, अब इसमें पूछेगा इसके अंदर लेटर्स के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिक्शनरी के अंदर डिफरेंस हो, ऐसे कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, तो इसके नंबर लिख लो 19, 9, ठीक है, 13, 16, 12 और ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। अब इस तरीके से यहाँ से हम लोग करके देखते हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो वर्ड के इस लेटर के बीच में और किसी और लेटर के बीच में जितने वर्ड हैं उतने ही उनके बीच के अंदर डिक्शनरी के बीच में कितने वर्ड हैं, वो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। अब रीजनिंग के पार्ट में देखो पढ़ के ये जाना है कि ये तीन चीज़ तो आपको तैयार करके जानी है, ये जो चार पॉइंट है तो आपको एकदम से फिक्स रूल्स हैं इनके, तो वो तैयार करके ही जाने हैं। इसके अलावा पजल और सिटिंग के अंदर आप लोग बनेगी नहीं बनेगी वो एग्जाम में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट दो दो क्वेश्चन यहाँ से करके जाओगे ना तो इजीनेस होगी आप लोगों को, और आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन मैं जल्दी कर लेता हूं, तो वो वाली पजल पहले करना एग्जाम के अंदर। अब आ जाओ इंग्लिश के बारे में, इसमें से भी अगर किसी टॉपिक में स्पेसिफिक कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश के अंदर देखो आप, इंग्लिश में देखो क्या क्या पूछ सकता है। एक तो आरसी पूछ लेगा, ठीक है, आरसी के 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आरसी मतलब आप लोगों का जो पैसेज पूछ रहा है, ठीक है। पैसेज के अलावा आप लोगों से फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक भी पूछ रहा है, इनमें से पूछेगा, मतलब मैं टोटल सारे टॉपिक लिख रहा हूँ जो सभी शिफ्ट के अंदर पूछे हैं। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट में दो टाइप के पूछ लेगा, एक तो सिंगल सेंटेंस वाला हो जाएगा, एक मोर देन सिंगल, यानी कि आपको 3, 4, 5 सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस को आपस में अरेंज कराएगा।
एक में सिंगल सेंटेंस के अंदर ही उसी के कुछ कुछ पार्ट को आगे पीछे अरेंज करवाएगा। एक ये आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा एक आ रहा है मैच द बॉक्स। अब इस मैच द बॉक्स में क्या पूछ रहा है, इधर कुछ चीजें दी हुई हैं, इधर कुछ चीजें दी हुई हैं, आपको उसको आपस के अंदर मैच करना है। ठीक है, ऐसे पांच क्वेश्चन वो किसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों से पूछ सकता है। और इसके अलावा मैं बात करूं, आपके कुछ वोकैब के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वोकैब या वर्ड यूज पे। ठीक है, कि किसी वर्ड को यूज करवा लेगा कहीं पे, तो वहां पे वोकैब के ऊपर बेस्ड, स्पेशली वोकैब के ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। और एक इम्पोर्टेंट क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट किसी शिफ्ट में पूछ रहा है, किसी में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट के आप लोगों से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक के 5 क्वेश्चन, सेंटर रिअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, मैच द वॉच के 5 क्वेश्चन, और वर्ड प्रमाण 3 क्वेश्चन। अब ये टोटल मिला के मोर देन 30 हो रहे हैं। इसमें से कुछ कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। जैसे कहीं पे फिल इन द ब्लैंक आ गया तो आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं पूछेगा, ठीक है, कहीं पे क्लोज टेस्ट रिमूव कर देगा तो आपका मैच द बॉक्स पूछ लेगा, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें वो मिस कर देगा, लेकिन ओवरऑल आएगा इसी में से ही जो भी आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश का तो मैं कुछ, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया, लेकिन मैथ्स प्लस रीजनिंग के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका समाधान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो टॉपिक अगर कुछ दोबारा पढ़ना है या कोई भी उसका जो भी है वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे IPS क्लर्क वगैरह के एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि हम आपको और किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।